संभल जनपद रामपुर के तांडा निवासी आस मोहम्मद संभल के सराय तरीन स्थित मक्का मस्जिद में इमाम था। गुरुवार को 12 वर्षीय पुत्र जुबैर को बाइक पर बैठाकर संभल को आ रहा था। मुरादाबाद रोड पर कुरैशी बोन मिल के सामने तेजी से आ रहे गन्ने से भरे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। पहिए के नीचे आने से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इस बीच घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जिला अस्पताल ले गए। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। क्या नाम बदलना कुछ? मोहम्मद अली नाम है इनका। इनके जो आधार कार्ड है उसमें देखा है हमने, और इनके घर वालों को सूचित कर दिया गया है। देखते हैं क्या आगे रहेगा। कुछ ये पता लगा कि काय चीज से हुआ एक्सीडेंट? ये नहीं पता। अब हमने हम लोगों ने तो देखा है, यहाँ पर शायद कोई गन्ने का ट्रॉली वाला था। आस मोहम्मद नाम के व्यक्ति हैं, इनका बेटा मोहम्मद जुबैर है। ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे और इनका टांडा के रहने वाले हैं, शायद इनमें रहते थे। इनका एक्सीडेंट हो गया है, अभी उस वाहन की तलाश की जा रही है जिससे एक्सीडेंट हो गया। मुकदमा लिख के क्लेम कराएंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई कराएंगे। कौन से रोड पर हुआ था एक्सीडेंट? फिरोजपुर पुल के पास हुआ। और गवर्नमेंट से जो भी इसमें विधि अनुसार मुआवजा कोई इनको लाभ मिलने का है उसमें इनको मदद की जाए।